हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की जॉब वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ इसकी जॉब वैकेंसी नहीं है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जॉब वैकेंसी निकली है। इसकी जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है हमारी 11 मई से है, ठीक है, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 26 मई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की जो हमारी दे रखी है फ्रेंड्स 1 जून दे रखी है, 1 जून 2020, और लास्ट फिलिंग डेट जो एप्लीकेशन ऑनलाइन की है दे रखी है उन्होंने फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 जून 2020, ठीक है। यहाँ से आप इसके इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूँ, ठीक है। तो आपको जब ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडिडेट के फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, अगर मिडिल नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लास्ट नेम देना है, अपने माता या हस्बैंड का नाम देना है, पिताजी या हस्बैंड का नाम देना है, या माताजी का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो स्टेटस बताना है, जेंडर बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक। इंटर आपको आधार नंबर देना है, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप बतानी है इंडिया की है या आप बताना है आप बिहार के हैं या नहीं, यहाँ पर इसको बताना है। ड्यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो वो बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कोड कैटेगरी, कोड सेलेक्ट करना है, अगर आप इकोनॉमी वीक सेक्टर में आते हैं तो वो बताना है, एससी एसटी में या उधर, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे चलते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं आपका कोई, यहाँ पे अगर आपको ग्रैंडसन है या डॉटर है उसके बारे में तो उस तरीके से आपको बताना है। आप फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो उसके बारे में बताना है, अगर यस आप नेचुरली डिजेबिलिटी है तो वो बताना है, विजुअली हियरिंग या ऑर्थोपेडिक या मेंटली डिजेबल है तो वो सब के बारे में आपको यहाँ पर लिख के बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी बताना है, आप कितने परसेंट डिजेबिलिटी है वो बताना है फ्रेंड्स। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, आपको एड्रेस बताना है जिससे आप साक्षात्कार या पत्राचार कर सके, वो वहां पे एड्रेस बताना है, ठीक है। अगर ये सेम एड्रेस है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एड्रेस देना है, ये एड्रेस होगा जहां पर पत्राचार करने के लिए, ये एड्रेस होगा अगर आप अभी जो जहां परमानेंट रेजिडेंस है उसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया बताना है, ठीक। इसको सेलेक्ट करना है, यस या नो आपको इस तरह से मेंशन करना है, तो जैसे यस कर देंगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना है जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो ईमेल पे कंफर्मेशन कोड आएगा और इंटर ओटीपी आपको मोबाइल पर प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद भरने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली सबमिट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है, इसी के द्वारा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको फिर से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा जो कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका प्रीव्यू रहेगा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कंप्लीटेड एग्जामिनेशन का, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई आएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझने आ गया हो किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और साथ साथ में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टाइम।